हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोहन राजवाड़े। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ निफ्टी और बाई निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, और हाँ, बेल आइकन बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, यह है बैंक निफ्टी का चार्ट और ये चार्ट डेली का है। कल मैंने एक पॉइंट शेयर किया था, मैंने कल दो तीन पॉइंट शेयर किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस वीडियो को एक बार आप रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत काम की चीजें मैंने शेयर किया है, राइट। पहली बात मैंने बताया था कि आज से कैंडल ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आ सकता है, राइट। देखिए, इसका लॉजिक क्या था कि एक मोमेंट आ चुका है, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना, राइट। यह प्राइस एक्शन पैटर्न के बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद फिर से रिट्रेसमेंट आना चाहिए, तो आज का कैंडल ग्रीन होना चाहिए था, ये पॉइंट मैंने शेयर किया था। बिल्कुल ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है, हालांकि लगभग ये दोपहर तक गिरता रहा, लास्ट आर्म इसमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है अपने को, ठीक है, बट अच्छे कैंडल के साथ क्लोजिंग आया है, ओके। अब देखिए, यहाँ से जो मोमेंट आना चाहिए, ये मोमेंट इधर आना चाहिए, तो हमारा अपर साइड का मोमेंट आना चाहिए, हमारे लिए टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, इस हाइट तक, मतलब 36,700-800, राइट। तो इसे आप राउंड फिगर में कहा समझे, 36,500 से लेके 37,000 का टारगेट आप अपर साइड में लेके चलिए। तो इसमें जो भी पोजीशन बनाए, अभी आप अपर साइड का पोजीशन बनाए, मतलब बुलिश पोजीशन बना के चले, राइट। देखिए, कल मैंने एक पॉइंट और शेयर किया था आप लोगों को निफ्टी में, कि निफ्टी का जो रिट्रेसमेंट है, एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना इधर, राइट, यहाँ पर रिट्रेसमेंट आया, अब ये 400 के आसपास आ जाए, मतलब 16,400, आज जो गिरावट आया 16,440 के आसपास तक का इसमें गिरावट देखने को मिला, राइट, और यहां से एक शॉर्ट कवरिंग इसमें देखने को मिला है, तो लगभग इसमें भी रिट्रेसमेंट हुआ है। हाँ, आज का कैंडल निफ्टी में जरूर थोड़ा सा वीकनेस बना हुआ है, तो कल जो मूवमेंट आना चाहिए, राइट, जो बड़ा मूवमेंट आ सकता है वो निफ्टी की तरफ आ सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा रिट्रेसमेंट हो सकता है अगेन इंट्रा डे के लिए, इसके बाद दोपहर के बाद भले उसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। कल है वीकली एक्सपायरी, नो डाउट मार्केट वॉलेटाइल होगा, थोड़ा मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी आज लास्ट आवर में आ चुका है, तो अगेन शॉर्ट कवरिंग आए इसकी संभावना थोड़ा कम है, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा साइड वेज में क्लोजिंग कर सकता है, थोड़ा अपर रेंज के आसपास क्लोजिंग दे सकता है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन मेरा कल नहीं है, ओके। चलिए, अब मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। कल मैं एक पॉइंट शेयर किया था, अगेन इसे आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। कल मैंने क्या बताया था, फ्लैट खुले तो भी इसे शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि नीचे जाएगा नहीं, इसके पास जगह नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी आप पिछले वीडियो में देखिए, राइट, पिछले वीडियो में भी मैंने पॉइंट शेयर किया है, और आप अपने से भी चार्ट में आप इसे ढूंढ के देखिए कि कहां कहां पर ऐसा पैटर्न बनता है, मतलब अगर वो 5 मिनट के चार्ट में ओवरसोल्ड है तो अगले दिन फिर से नीचे नहीं जाएगा, राइट। मैंने क्या बात किया था कि यहां से अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करता था, तो बाइंग के बारे में सोचिए। मैंने यहाँ पर ओवरनाइट भी पोजिशन बनाया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि अपर साइड मूवमेंट इसमें आना चाहिए, नीचे जाने की संभावना कम है, इसलिए मैंने फ्यूचर बाई करके कॉल सेल किया था, तो कॉल में भी प्रॉफिट मिला क्योंकि फ्लैट खुला था, ठीक है, और फ्यूचर में भी प्रॉफिट मिला, एक अच्छा गेन इसमें अपर साइड में मिला। अब मैंने दूसरा पॉइंट क्या शेयर किया था आप लोगों को, कि देखिए अगर ऊपर जाएगा तो इधर से कहीं शॉर्ट होगा, राइट, यहां से कहीं शॉर्ट होगा, इस रेंज को आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब लोअर लेवल से मार्केट ऊपर जाएगा, नो डाउट यहाँ से भी एक बेरिश कैंडल बना था, लेकिन बढ़िया सेटअप यहाँ था, यहाँ शॉर्ट करने के लिए, ओके। तो यहाँ जाके हमारा एसएल लग गया होगा, देखिए 100% चीजें हो नहीं सकती, राइट, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एक एसएल लगा होगा एक बार, फिर यहाँ पर एक एम पैटर्न बना, फिर नीचे से मार्केट शॉर्ट हुआ, ओके। हमारा जो लॉजिक था कि अगर गिरेगा तो यहाँ तक जाएगा, इसके नीचे आप उम्मीद मत करिए, फिर यहाँ पर कितना बढ़िया कैंडल बना और इसमें शॉर्ट कवर नहीं आया, तो थोड़ा सा प्राइस को समझने की कोशिश करना है, ये कहाँ पर से अगेन आया, फिर से ओवरसोल्ड हो गया, तो ये सारी चीजों को अगर आप समझते हैं तो ट्रेड इजी बन सकता है, ओके। मैंने बहुत बार आप लोगों को शेयर किया है कि 5 मिनट या 15 मिनट के कैंडल में अगर कैंडल यहाँ पर हैमर बनता है, तो आप यहाँ पर जैसे ग्रीन कैंडल बनता है ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, लेकिन जब वो ओवरसोल्ड हो तो ठीक है, आप कॉल ही बाइंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर फ्यूचर में पोजीशन बनाए, अच्छा ट्रेड मिलेगा शॉर्ट कवरिंग में। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखिए कल के लिए क्या लेवल है, अगेन मार्केट यहाँ पर ओवरबॉट के आसपास जाके क्लोज किया, लेकिन जगह भी है इसके पास, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ है, मतलब इसमें अपर साइड मूवमेंट का जगह है, ओके। तो दो चांस हो सकता है, मार्केट का सेटलमेंट प्राइस इधर कहीं आया है, ठीक है, 35,620 के आसपास इसका सेटलमेंट प्राइस आया है, ओके। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 35,680 है, ओके। तो ये कैसे ट्रेड हो सकता है, ध्यान रखिए इसका तीन कंडीशन हो सकता है, या तो ये गैप अप ओपन हो जाए, या फ्लैट खुल जाए, या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो मार्केट इस रेंज के ऊपर मूवमेंट नहीं कर पाएगा, राइट, फिर इधर मार्केट इधर ही टाइम स्पेंड करेगा, ऐसा हमारा एजम्पशन है, ओके।
तो अगर इस रेंज में रहता है आप इमीडिएट स्ट्रेंगल बना दें, ओके, ऊपर और नीचे का कॉल पुट सेल कर दें, ठीक है, बोथ साइड स्टॉप लॉस डाल के रखें 40%, 50%। देखिए एक्सपायरी के दिन स्टॉप लॉस जो रेंज रहता है वो 50% का रखिए, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम रहता है। तो बोथ साइड 50% का एसएल डाल के अगर ये गैप डाउन खुला तो 150, 200 या 35,500 के आसपास खुलता है तो ओके, ये पॉइंट सपोर्ट बन जाएगा। ओके, अपर साइड के सब रेजिस्टेंस ऑलरेडी है ही है इसका, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो राइट, इस टाइप का आप पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है, एज्यूम करिए यहाँ पर 10-15 मिनट टाइम स्पेंड कर दे, अगर 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करके ऊपर जाता है तो आरएसआई क्या हो जाएगा, थोड़ा कूल हो जाएगा। ओके, फिर अगर ये हायर एंड को ब्रेक करता है तो आपको एक ट्रेंड अपर साइड में फिर से मिल जाएगा। ये ट्रेंड कहाँ तक मिलना चाहिए, ये ट्रेंड इधर मिलना चाहिए, 35,900, 36,000 राउंड फिगर का लेवल है, फिर क्या है 36,100 का भी भाव मिल सकता है। अगर ये 10-15 मिनट यहाँ पर टाइम स्पेंड करके, आधा घंटा जितना देर भी यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर ब्रेकआउट करता है, आज के हाई को ब्रेकआउट करता है, तो आप इसमें इमीडिएट बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं। बाइंग का लेवल क्या होगा, मतलब 35,740 के ऊपर, 35,740 के ऊपर, और यहाँ का जो स्विंग लो है उसका एसएल अभी के लिए आपको बताता हूँ, 35,650 का एसएल, मतलब 100 पॉइंट का एसएल, अपर साइड में ब्रेकआउट आए तो 35,900 मिनिमम टारगेट बनना चाहिए। ओके, इसके बाद 36,000 का भी टारगेट इंट्राडे में देख सकते हैं। 36,100 तक जाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है 36,000 आसपास इसका रेजिस्टेंस बनेगा, मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। एक प्लेट खुल के ऊपर जाएगा तब का ट्रेड हुआ, राइट। अब आपको दूसरी बात ध्यान रखना है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो, गैप अप खुलेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही क्या हो जाएगा, ये इन साइड होके ट्रेड करेगा या फिर थोड़ा साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, मार्केट मूवमेंट इस टाइप का ट्रेड करेगा इधर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर गैप अप खुला तो इस भाव के आसपास आके सपोर्ट बना के ऊपर चले जाएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इसका जो ट्रेवलिंग रेंज रहेगा क्या रहेगा, 36,100 और लोअर साइड में आज का लो, मतलब सॉरी आज का हाई, हाई पॉइंट, ठीक है, मतलब 35,700, इसी फिगर के बीच में मार्केट ट्रेडिंग करेगा। तो हम लोग अगेन यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रेंगल सेल कर सकते हैं, राइट, और वो ट्रेड उसका प्रीमियम क्या होना चाहिए, 125 से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए, 125 का प्रीमियम सेल कीजिए, राइट, बोथ साइड एसएल डाल के रखिए। नेक्स्ट एक्सपायरी में सेल करते तो एसएल को थोड़ा बड़ा रखिए, एक्सपायरी के दिन कम से कम 50% का एसएल जरूर रखिएगा, ठीक है, बाकी दिन में 40% बताता हूँ। तो इस फिगर को आप ध्यान रखिए, कल के दिन पे अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा नहीं, इसी रेंज में मार्केट क्लोज कर जाएगा, फिर फ्राइडे के दिन एक अच्छा ट्रेंड हमें अपर साइड में देखने को मिल सकता है। तो कल वीकली एक्सपायरी की वजह से मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ध्यान रखिए, अपर साइड जाएगा बहुत बड़ा ट्रेंड में मुझे नजर नहीं आ रहा है, इधर हमारा मार्केट साइडवेज के साथ ट्रेड हो सकता है। गैप डाउन ओपन होगा, अगेन ये हायर रेंज को रेजिस्टेंस बनाएगा, इधर कहीं सपोर्ट बना देगा, इधर ये साइडवेज ट्रेड कर सकता है, यहाँ भी स्ट्रेंगल बना सकते हैं, यहाँ भी स्ट्रेंगल बना सकते हैं, मतलब गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में स्ट्रेंगल, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा बहुत अच्छा बाइंग आ सकता है। तो इसे वेट करिए, मॉर्निंग में एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा लॉजिक आपको ध्यान रखना है और उसके ऊपर ट्रेड करना है। अब ट्रेंड देखते हैं हम लोग निफ्टी, निफ्टी का भी लॉजिक सेम था, लेकिन निफ्टी आज थोड़ा सा वीक रहा है। ओके, जैसे कल मैंने बताया था इमीडिएट यहां से नीचे नहीं जाएगा, पहले ऊपर जाएगा, अगर ऊपर से शॉर्ट करे होंगे तो आपको मॉर्निंग में एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर मिल चुका होगा। ओके, क्योंकि जो रेजिस्टेंस पॉइंट था यहीं से इसकी गिरावट, मतलब बेरिश कैंडल बना है, सेम कैंडल का हाई का एसएल लगा के 1:2, 1:3 का इजी ट्रेड आपको मिल गया होगा। ओके, अब देखिए हमारा व्यू था कि मार्केट यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहां पर बुलिश कैंडल भी नहीं बना, एक बार ऊपर गया, यहां से नीचे आ गया, लास्ट मिनट में मतलब लास्ट आर में इसमें एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला है। तो निफ्टी में थोड़ा सा ट्रेड कैसे करेंगे इसके ऊपर ध्यान रखिए। देखिए ये पॉइंट इसका रेजिस्टेंस होगा अपर साइड का, ओके, लो पॉइंट इसका सपोर्ट होगा, अगर ये फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आए, ध्यान रखिए जो मैं बात कर रहा हूँ, फ्लैट खुल के थोड़ा नीचे आए, जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में बात किए, टाइम स्पेंड करके ऊपर जाए तो ट्रेड आपको यहां तक मिल जाए, राइट, इसे आप इस हाई के ऊपर बाइंग करिए। ओके, मतलब बाइंग का लेवल बनेगा वो 50 के ऊपर बनेगा, राइट, 16,000, लेकिन यहाँ पर टाइम स्पेंड करना चाहिए, आधा घंटा 15 मिनट टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो फिर बाइंग करिए 16,540 के ऊपर बाइंग करिए, ठीक है। स्टॉप लॉस इसमें आप 40 पॉइंट का रखिए लोअर साइड का, मतलब 16,510 या 500 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, यहां से ब्रेकआउट आएगा तो एक ट्रेड आपको 16,640 के आसपास तक तो ट्रेड मिल जाएगा, राइट, तो इधर का ट्रेड आपका एक अच्छा हो सकता है अपर साइड का। ओके,
तो एक ट्रेड ऐसा हो जाएगा, गैप डाउन ओपन होगा तो इस पॉइंट के आसपास रेजिस्टेंस बनेगा, ये इसका सपोर्ट बन जाएगा, मार्केट इसी रेंज में ट्रेवलिंग करेगा, इधर हम लोग स्ट्रेंगल बना सकते हैं। गैप अप खुलेगा, मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, अगेन यहाँ पर हम लोग स्ट्रेंगल बना सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, फ्लैट खुले, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करे, ब्रेकआउट करे, 40 पॉइंट कैसे लगा के बाइंग करेंगे, गैप अप खुलेगा, हायर रेंज लोअर रेंज का हम एक रेंज फाइंड आउट करेंगे, उसके ऊपर हम लोग कोई स्ट्रेंगल बेच सकते हैं, राइट। निफ्टी में अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के स्ट्रेंगल बेचें तो आप 50 रुपए ज्यादा का प्रीमियम मत बेचिए, ठीक है, इसमें आपको 20-25 रुपए का आसपास का डीके मिल जाएगा, पूरा दिन में ट्रेड अच्छा हो सकता है, राइट। इसे ध्यान रखिए, गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा तो भी अपर साइड लोअर साइड के रेंज फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंगल बेच देंगे, तो सिंपल सा ट्रेड बन सकता है कल के लिए, आप लोगों के लिए ऐसा ट्रेड हो सकता है। ध्यान रखिएगा, मैं इसमें एक्सपायरी के दिन 2-3 ट्रेड करता हूँ, एक मॉर्निंग में मैं ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शेयर किया है, लगभग 9:30 के आसपास एक स्ट्रेंगल बनाता हूँ मैं, इसके बाद दूसरा स्ट्रेंगल बनाता हूँ मैं लगभग 1 बजे के आसपास, 1 बजे 1.5 बजे के आसपास, फिर मैं एक ट्रेड बनाता हूँ लगभग 2 बजे के आसपास, जहाँ मार्केट साइडवेज होता है 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास। तो ये ट्रेड के लिए आप तैयार रहेगा, अगर आप ट्रेड करते हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन रहिएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि सभी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो मुझे लगता है सिंपल सा ट्रेड कल के दिन पे हमें बन सकता है, एक्सपायरी के दिन 2 बजे वाला या 2:30 बजे वाला जो ट्रेड हम लोग डालते हैं बटरफ्लाई का, ये ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, लगभग इसमें प्रॉफिट अपने को मिल जाता है, और अगर लॉस होता भी तो छोटा लॉस होता है। हाँ, एक आध बार हमें प्राइस को शिफ्ट करना पड़ता है, तो एक मान लीजिए देखिए हमने इसे बनाया, अगर 2:45 तक मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, फिर मान लो इधर चला गया, तो इस पोजीशन को कट करके हमें थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता है अपर साइड या फिर नीचे की साइड, तो इसके लिए तैयार रहिएगा, या तो आप सेल्फ ट्रेड बनाइएगा, लेकिन एज्यूम करें कि मार्केट आधा घंटा और रुक सकता है कि नहीं, मतलब 3:15 तक मार्केट रुक सकता है कि नहीं, यहां से लेके यहां तक के टाइम में अगर मार्केट एक जगह में रुकने की कोशिश करता है, वहां पर बटरफ्लाई बनाइए, ठीक है, बहुत ही इजी पैसा मिलता है उस समय। और इस समय बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं, एक लॉजिक आपको शेयर करता हूँ। सपोज करिए मार्केट यहाँ चल रहा है, हमने एज्यूम किया कि मार्केट आधा घंटा यहीं पर रुकेगा, तो अभी प्राइस क्या है 16,500, ठीक है, 40, तो हम क्या रखेंगे 16,550 कॉल पुट सेल करेंगे, 50 पॉइंट ऊपर का बाई कर लेंगे, 50 पॉइंट नीचे का बाई कर लेंगे, राइट, मतलब 16,600 का कॉल बाई कर लेंगे और 16,500 का पुट बाइंग कर लेंगे और ये दोनों को सेल कर देंगे। देखिए चूंकि यहाँ पर जो लॉस का साइज रहता है वो मैक्सिमम 500-600 रहता है, इससे ज्यादा नहीं, और प्रॉफिट का साइज रहता है वो रहता है 1,800-2,000 के आसपास का, तो मुझे लगता है रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा रहता है, इसमें हमें 1,100-1,200-1,000 रुपये मिलता है तो पोजिशन को कट कर देते हैं। तो सिंपल सा ट्रेड बनता है एक्सपायरी के दिन, इसे मैं 2 बजे के आसपास जरूर बनाता हूँ, अगर आप ट्रेड बनाते होंगे तो आप लोगों का आइडिया भी होगा, और कई बार मैंने टेलीग्राम चैनल में दिया भी है, कल भी अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर मार्केट मेरे रेंज पे लगता है कि हाँ यहाँ पर रुकेगा तो ट्रेड मैं आपको शेयर करूंगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट अगर देखिए कल एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आ सकता है, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग आता है तो फ्राइडे के दिन इस हायर एंड के आसपास इधर मार्केट मूवमेंट करने के लिए तैयार हो रहा है। ओके, तो आने वाले फ्राइडे को या फिर मंडे को एक बड़ा ट्रेंड हमें अपर साइड में देखने को मिल सकता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। नंबर वन पहला स्टॉक है HDFC बैंक, अच्छा सेटअप बन रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक ट्रेड बन सकता है इसमें, अगर मॉर्निंग और मोमेंट आता है तो ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं, दिन में भी मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं। ओके, देखिए इसे हमें बाइंग करना है 1400 के ऊपर, अगर ये 1400 के ऊपर ब्रेकआउट आता है हम लोग बाइंग कर सकते हैं, मूवमेंट अपर साइड में इधर आ सकता है, राइट, 1420 की तरफ मूवमेंट आ सकता है, तो वह लेवल का इधर का कहीं हम लोग ऐसा रखेंगे 1390 कैसे रखेंगे, 14 के ऊपर बाइंग करेंगे, टारगेट हमारा 1410 से लेके 1420 का ट्रेड हो सकता है, नजर रखिए अगर ये ब्रेकआउट आता है तो अच्छा ट्रेड देखे जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ये है HDFC लिमिटेड, देखिए HDFC बैंक HDFC लिमिटेड दोनों ही अच्छे जगह में क्लोजिंग किए हैं, राइट, अगर आप डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बन रहा है, स्विंग हाई को ब्रेकआउट करेगा तो इस स्विंग लो के आसपास जा सकता है, इस कैंडल के लो के आसपास, तो मूवमेंट बहुत बढ़िया हो सकता है, लोअर लेवल से 30-35 रुपए का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, तो ब्रेकआउट आएगा तो बाइंग करके जा सकते हैं, बाइंग हमें करना है इस स्विंग हाई के ऊपर जहां पर एक क्लोजिंग दिया है, राइट, तो बाइंग का लेवल है एग्जिट 2335 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाइंग करके जाएंगे, राइट, और इस रेंज का हम लो का एसएल रखेंगे, ये एसएल क्या होगा 2325 का, 10 पॉइंट कैसे है
और अपर साइड का टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, राइट, मतलब 2360 के आसपास। तो ट्रेड बहुत अच्छा हो सकता है, नजर रखिए लोअर साइड से ब्रेकआउट आता है तो हम लोग बाइंग करके जाएंगे, यहाँ टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है तो ट्रेड और भी अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों ये NMDC, इसे भी ध्यान रखिए। आप पहले डेली चार्ट देखिए, राइट, डेली चार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर काफी दिन से टाइम स्पेंड कर रहा है, ओके, मेटल का इंडेक्स थोड़ा अच्छा लग रहा है, एक ग्रीन कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना हुआ है रेड के साथ, अगर ब्रेकआउट आएगा तो एक ट्रेड आपको इधर देखने को मिल सकता है, ओके। तो हम लोग इसे 15 मिनट के चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखिए एक रेंज के आसपास से ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर यहाँ तक के ट्रेड कर रहा है, अगर ये नीचे जाता है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ थोड़ा बुलिश, ठीक है, क्योंकि मार्केट मुझे बुलिश लग रहा है। तो अगर अपर साइड ब्रेकआउट आएगा तो हम बाइंग करेंगे, बाइंग का लेवल क्या होना चाहिए, 127.25 के ऊपर, 127.50 के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे, इस स्विंग लो का हम एसएल रख लेंगे, मतलब 126 के आसपास, ठीक है, 126 के आसपास कैसे रखना पड़ेगा, 1.5 रुपए कैसे, और अपर साइड में ट्रेड आपका इधर, क्योंकि फिर बीच में कोई रेजिस्टेंस नजर आता नहीं है, तो 130, 130, 131 की तरफ ट्रेड आपको दिखा सकता है। तो नजर रखिए अगर मॉर्निंग में यहाँ पर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकलता है तो ट्रेड अच्छा हो जाएगा, गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर अवॉइड करिएगा ट्रेड। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है ये है अमाराजा बैटरी, कल भी मैंने इसे सेलेक्ट किया था लेकिन आज ये ब्रेक डाउन हुआ नहीं, मतलब 500 के नीचे आया नहीं, ओके, हमने 500 का फिगर फाइंड आउट किया था, ये अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ट्रेड हमारा ज्यादा अच्छा होगा, ओके। देखिए थोड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न को समझिए क्या हो रहा है, राइट, एक अपर साइड का मूवमेंट आ रहा था, यहाँ पर हायर हाई वाला हायर लो वाला फॉर्मेशन बन रहा था, यहाँ पर इसका पैटर्न चेंज हुआ है, ओके। अब जो हाई बन रहा है ये लोअर हाई जैसा पैटर्न है, ठीक है, और लोअर लो क्रिएट कर रहा है, अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो ट्रेड अच्छा होगा, इसलिए इस स्टॉक को मैं बार बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, 500 के बिलो ही सेल करेंगे, वेट करिए 500 का, 4-5 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, मतलब 500, 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
आना चाहिए, ठीक है, मतलब 490 के आसपास आना चाहिए, 95, पहला 95, फिर 490, ये टारगेट हमारा कल भी था। तो इधर का ट्रेड हमारे लिए इसमें हो सकता है डाउनसाइड का, तो अगर गिरावट देगा तो अच्छा गिरावट हो सकता है, इसमें शॉर्ट का ट्रेड हम लोग बना सकते हैं, तो कल इसमें नजर रखिएगा। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक का लेवल। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।